अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो हम पढ़े हैं कंप्यूटर साइंस फॉर 9th क्लास। हमारा चैप्टर है प्रॉब्लम सॉल्विंग, चैप्टर नंबर 1। एंड टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो टेस्ट डाटा, ये आपका 1.4 टॉपिक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, हमने डिफरेंस डिस्कस किए थे एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट के, और मैंने थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया था टेस्टिंग टेस्ट डाटा का। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ब्रीफ इंट्रोडक्शन यही है कि जब आपके पास सॉल्यूशंस निकल आते हैं, ठीक है, आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी और उनको सॉल्यूशन आपके मुताबिक निकल आया, तो उसके ऊपर डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट वैल्यूज अप्लाई करके उसको टेस्ट किया जाता है कि जो हमारा रिजल्ट है वो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट ही है क्या नहीं। तो ये क्या कहलाता है? टेस्ट डेटा। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। आफ्टर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम वी नीड टू टेस्ट वेदर द सॉल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। हमने चेक करना है कि वो जो सॉल्यूशन है वो ठीक है कि नहीं। एंड टेस्ट एंड फॉर टेस्टिंग वी नीड टू टेस्ट डेटा। हमें डेटा को, डेटा क्या होता है, ये वैल्यूज को प्रोवाइड करना, उसको टेस्ट करना लाजमी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू टेस्ट द एल्गोरिथम, अब एक एल्गोरिथम है जो कि हमने पीछे पढ़ा था, टू फाइंड द लार्जेस्ट अमंग थ्री गिवन नंबर्स, सो एन जीरो एन वन एन टू, देन वी नीड थ्री वैल्यूज। हमें तीन वैल्यूज की ज़रूरत है। दीज वैल्यूज़ कैन बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, वो नेगेटिव भी हो सकती हैं, और वो जीरो भी हो सकता है। सो फॉर थिंकिंग अबाउट टेस्टिंग वी ऑल्सो नीड टू थिंक अबाउट टेस्ट डेटा। तो हमें डेटा को भी टेस्ट करने की ज़रूरत है। तो आगे इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। टेस्टिंग इज़ एसेंशियल टू पॉइंट आउट द डिफेक्ट्स एंड एरर्स, के टेस्टिंग जो होती है वो ज़रूरी होती है कि आपके जो एरर्स हैं इसके अंदर, मिस्टेक्स हैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में और जो सॉल्यूशन में जो मिस्टेक आ रही है वो जो है वो पॉइंट आउट करने के लिए हेल्पफुल होती हैं ड्यूरिंग फाइंडिंग द सॉल्यूशन टू सॉल्व प्रॉब्लम। तो हमें सॉल्यूशन फाइंड करने में, जब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो उसमें जब उसमें जो एरर्स आते हैं सॉल्यूशन निकालने में, तो वो इम्पॉर्टेंट होता है। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग अ सॉल्यूशन, ये हमें सॉल्यूशन निकालने, उस सॉल्यूशन को इम्प्रूव करने का, उसे बेहतर बनाने में हेल्प देता है टेस्ट डाटा। ठीक है, इफ वन solve a problem and someone else uses that solution of commercial purposes, then the commercial activities depend upon the correctness of the solution। कि अगर कोई एक बंदा एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और लेकिन अगर आपने एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया और उसे रख दिया कि ये इसका सोल्यूशन होगा, someone else उसको उसके सोल्यूशन को यूज़ करेगा उसके कमर्शियल, जैसे कि बिजनेस पर्पसेज के लिए उसको यूज़ करेगा, और कमर्शियल जो पर्पसेज होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं और उनमें करेक्टनेस ऑफ सोल्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती और वो इसी पे डिपेंड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू डिवेलप अ सोल्यूशन ऑफ फॉर फाइनेंस मैनेजमेंट, हम फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए एक सोल्यूशन निकालते हैं, तो सम बैंक एंड सम बैंक स्टार्ट यूजिंग इट, और कोई बैंक उसको यूज़ करना शुरू कर देता है, देन एनी एरर इन दैट सोल्यूशन मे रिजल्ट द फाइनेंशियल लॉस। अगर कोई भी एरर जो है वो सोल्यूशन में आ जाएगा तो वो होगा फाइनेंशियल लॉस के लिए, वो फाइनेंशियल लॉस होगा बहुत बड़ा। तो टेस्टिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ सोल्यूशन, के अगर किसी को देने से पहले उसको टेस्ट कर लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई अगर आप मशीनरी बनाते हैं तो उसको पहले वो उसको टेस्ट किया जाता है। कोई भी कंपनी नई मशीनरी बनाती है तो वो उसको पहले टेस्ट करती है डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट उसको सिचुएशन में डाल के, ताकि पता चल जाए कि ये हर सिचुएशन को किस तरह से डील करेगी, फिर वो जो है वो आपको मार्केट में सेल आउट करती है। तो डू यू नो द स्पेस शटल चैलेंजर STS 51L स्पेस फ्लाइट एंडेड इन द ट्रेजेडी, स्पेस फ्लाइट जो थी वो ट्रेजेडी में एंड हो गई ऑन January 28, 1986 ओनली 73 सेकेंड्स आफ्टर लिफ्ट ऑफ। कि वो जब जैसी ही उसने 73 सेकेंड अभी उसे हुए थे, उसको ज़मीन से उठे हुए वो ऊपर गए हुए, तो वहीं पर जो है वो उसकी जो स्पेस फ्लाइट थी वो ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि उसको टेस्ट ही नहीं किया गया था, उसको डायरेक्ट उसको भेज दिया गया, तो ये टेस्ट फ्लाइट हो। ठीक है, उसके बाद अ कार इज़ डिलीवर्ड टू अ कस्टमर आफ्टर टेस्टिंग। एक कार जब बनाई जाती है कंपनी में, तो वो उसको हर चीज़ पर उसके टेस्ट किया जाता है, फिर वो जाके उसको कस्टमर को मिलती है। अपॉन लॉन्चिंग अ न्यू कार इट इज़ यूजुअली टेस्टेड विद अ रोबोट ड्राइवर, रोबोट ड्राइवर उसको ड्राइव करता है, हु हिट्स द कार विद अ वॉल।
जो कि कार को वॉल से टकराता है, ताकि पता चले कि वो कितना जो है वो कोलियन जो है वो सह सकती है. इट इज़ यूज टू टेस्ट वेदर द एयर बैग एंड अदर सिक्योरिटी सिस्टम आर फंक्शनिंग और नॉट, कि वो फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं. रोबोट चाहे ख़राब भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कार को टेस्ट करना है कि वो जब कोई आदमी जो है इंसान उसके अंदर बैठेगा तो उसके जो कार के एयर बैग और सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं वो सही तरह काम करेंगे कि नहीं करेंगे, अगर वो इस तरह का कोई हादसा उसको पेश आ जाता है. मोर ओवर इट इज़ ऑल्सो इट ऑल्सो अलाउज द कार डिज़ाइनर टू सजेस्ट फर्दर डिटेल फर्दर सिक्योरिटी मेजर्स. वो कार डिज़ाइनर को फर्दर जो है सिक्योरिटी मेजर्स जो है वो लेने पे जो है वो करता है लीड करता है कि टू रिड्यूस द डैमेज, कि वो डैमेज से जितना भी बचा जा सके बच जाए. दिस टेस्ट कैन हेल्प टू मेक अ कार सेफ, वो कार को सेफ बनाता है. सो टेस्टिंग हेल्प्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी, और जाहिर बात है जब वो सेफ होगी कार तो आपकी क्वालिटी भी इम्प्रूव करेगी. उसके बाद आ जाता है टाइप ऑफ टाइप्स ऑफ डाटा टेस्ट डाटा. सो क्रिएशन ऑफ प्रॉपर एंड सफिशेंट टेस्ट डाटा इज़ वन ऑफ द की एक्टिविटीज़ टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ द सोल्यूशन. क्रिएशन ऑफ प्रॉपर एंड सफिशेंट, अगर जो है वो मुनासिब जो है वो टेस्ट डाटा कर लिया जाए, वो की होता है कि आपकी सोल्यूशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करे वो. ईच टाइप ऑफ सोल्यूशंस रिक्वायर डिफरेंट डाटा. हर टाइप जो नीचे दिए गए हैं टेस्ट डाटा, जितने भी सोल्यूशन टाइप के दिए हुए हैं, तो उसमें डिफरेंट डाटा इस्तेमाल होगा. तो टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा इंक्लूड वैलिड टेस्ट डाटा, इनवैलिड टेस्ट डाटा. तो वैलिड पढ़ लेते हैं. इट इज़ द टेस्ट डाटा डैट कंप्लाइज द इनपुट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एल्गोरिथम, जो कि वो कंप्लाइज करता है, उसे स्पेसिफाई करता है कि वैलिड ही टेस्ट, अगर आपने डाटा कोई प्रोवाइड करना है तो वो वैलिड ही हो और वो जो एल्गोरिथम पे लगे. इफ़ एन एल्गोरिथम इज सपोज टू टेक अ न्यूमेरिक वैल्यू बिटवीन 1 to 100, देन एनी वैल्यू बिटवीन 1 to 100 इज़ वैलिड, कि वो उसी कंडीशन, एक बाउंड्री, एक रेंज बता दी गई है कि वैलिड उसी वक्त होगा इसी रेंज के अंदर, अगर डाटा उसको प्रोवाइड किया जाए और वो सोल्यूशन आपको सही दे रहा हो. अब जो है वो उस रेंज से बाहर, यानी कि इनवैलिड जो होगा वो टेस्ट अगर डाटा देगा, इट इज़ अ डाटा डैट डज नॉट कम्प्लाई, यानी कि उसके अंदर नहीं शामिल होता विद द इनपुट रिक्वायरमेंट्स में नहीं आता ऑफ द एल्गोरिथम, वो नहीं आएगा, जैसे कि आउट ऑफ द रेंज अगर आप उसको वैल्यू दें. इट इज़ नेसेसरी टू मेक श्योर डैट द सोल्यूशन करेक्टली वर्क फॉर इनवैलिड वैल्यूज, कि अगर आपका सोल्यूशन इनवैलिड वैल्यू के लिए वर्क सही करता है, कि सही आपको जो आपने एक्सपेक्ट किया है कि रिजल्ट उस तरह के देता है. शोज रेलिवेंट मैसेजिंग नोटिफाइंग दैट द यूज़र टू द यूज़र दैट द प्रोवाइडेड इनपुट वैल्यूज़ आर इनवैलिड इनप्रॉपर, कि वो आपको ये शो कर रहा है कि वो जो आपने वैल्यू प्रोवाइड किया वो इनवैलिड है, इनप्रॉपर है, वो रेंज में नहीं आती, कि वो ये मैसेज शो कर रहा है कि नहीं. अगर नहीं कर रहा होता और उसको सॉल्व कर रहा होता तो फिर आपके सोल्यूशन में, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग में मसला आया है. ठीक है, तो ये इनवैलिड डेटा से भी टेस्ट किया जाता है कि वो आपको जवाब क्या देता है. बाउंड्री टेस्ट वैल्यूज, अ सोल्यूशन इज टेस्टेड ऑन एक्सट्रीम वैल्यूज. एक आपको पहले था जब वैलिड में हमने पढ़ा कि 0 से 100 तक रेंज उसको दे दी, उसमें से जिस वैल्यू पर भी वो अप्लाई करता हो, तो वो जिस भी वैल्यू को आप यूज़ कर लें और उसका सोल्यूशन आपका करेक्ट आएगा तो वो इनवैलिड टेस्ट डाटा आपका सेटिस्फाई हो जाएगा. लेकिन अब वो कह रहा है कि एक्सट्रीम वैल्यूज़, यानी कि पूरी जो बाउंड्री पे 0 से 100 तक की रेंज दी हुई है, तो वो 0 और 100 को अप्लाई करते हुए टेस्ट डाटा को टेस्ट करेगा. अ सोल्यूशन इज टेस्टेड ऑन एक्सट्रीम वैल्यूज़, यानी कि बिल्कुल साइडों पर जो वैल्यू 0 और 100 एक्सट्रीम वैल्यूज़ होंगी उसको टेस्ट करेगा. फॉर एग्जाम्पल, टू कैलकुलेट इंटरेस्ट वी कैन कंसिडर प्रिंसिपल अमाउंट एज 0 और वेरी ह्यूज अमाउंट. अगर आपने किसी का प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है, इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो उसकी जो मैक्सिमम अमाउंट होगी वो भी लगा सकते हैं और 0 भी उसके ऊपर अप्लाई करके देख सकते हैं. रॉन्ग डाटा फॉर्मेट्स, यानी कि उसकी कोई शक्ल को बदल देना, यानी कि एक तो है ना कि रेंज आपको प्रोवाइड कर दी कि इतने में से आएगा आपकी वैल्यू. एक होता है कि अगर आपको नंबर्स प्रोवाइड करने हैं एक सोल्यूशन में और आप कोई और जैसे कि अल्फ़ाबेट से अगर उसको प्रोवाइड कर दें तो वो आपके लिए क्या होगा, रॉन्ग डाटा फॉर्मेट. तो आपने अल्फ़ाबेट्स भी अप्लाई करके उसके ऊपर जिसने आपने डिजिट्स को अप्लाई करना था सोल्यूशन में, जिसमें आपने वैल्यूज इनपुट देनी थी, उसमें अगर आप अल्फ़ाबेट्स को अप्लाई करते हैं तो वो रॉन्ग डाटा फॉर्मेट्स होंगे. इट इज़ वाइज टू चेक हाउ द सिस्टम रिएक्ट्स ऑन एंटरिंग डाटा डैट इज़ इनअप्रोप्रिएट फॉर्मेट.
वो इनअप्रोप्रिएट फॉर्मेट में होगा, यानी कि वो उस नेचर का डेटा होगा नहीं जैसा कि हमने एल्गोरिथम बनाया है, ठीक है। तो वो अगर आप उसको लगाते हैं तो हमारा सिस्टम हमें क्या जवाब देता है, ये भी टेस्ट करना होता है। वो जाहिर है आपको एक प्रॉम्प्ट देगा, आपको मैसेज शो करेगा कि आपका डाटा जो है इनवैलिड है, यानी कि रॉन्ग फॉर्मेट में है, तो आप जो डाटा वो उसमें दें। अगर वो ऐसा करता है तो आपका जो सोल्यूशन है वो कामयाब है, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो आपका सोल्यूशन जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस वो सारा नाकाम हो गया। फॉर एग्जाम्पल गिविंग एन अल्फ़ाबेट, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दी, अल्फ़ाबेट प्रोवाइड करें एज एन इनपुट व्हेन न्यूमेरिक वैल्यू इज एक्सपेक्टेड, तो वो आपका रॉन्ग डाटा फॉर्मेट जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी अगर वो मैसेज शो करता है आपको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एब्सेंट डाटा। अब एब्सेंट डाटा क्या होता है, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू इन्वेस्टिगेट दैट द सोल्यूशन स्टिल वर्क्स इफ लेस नंबर ऑफ इनपुट्स आर गिवन देन एक्सपेक्टेड। यानी कि अगर आपको रेंज बता दी गई कि आपने 10 वैल्यूज एंटर करनी है, लेकिन अगर आप उसको बस 5 वैल्यू एंटर करते हैं, लेस इनपुट देते हैं, तो फिर आपका सिस्टम क्या करेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ अ सिस्टम आस्क टू एंटर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, आपको ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आपसे मांगता है, या आपका आईडी कार्ड नंबर मांगता है, या आपका फोन नंबर मांगता है, देन एवरी वन कैन नॉट प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन। हर कोई वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सी हाउ द सिस्टम रिएक्ट इन सच सिचुएशन, तो वो उस सिचुएशन में वो क्या करेगा, ठीक है। तो वो ये चेक करेंगे। तो ये 4-5 किस्म के टेस्ट डाटा थे, ये आपको पेपर में आ सकते हैं, और शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी बन सकता है। सो आपने इसको प्रिपेयर करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह कल हम वेरिफिकेशन और वैलिडेशन पढ़ेंगे और उनको डिटेल से करेंगे। सो हाँ, लेक्चर आपको अगर समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ आया कोई भी पॉइंट, अगर यहाँ से नहीं समझ आया, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दें। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।